नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। गुप्ता ने बताया कि उन्हें दो फोन किए गए हैं, एक भारत से तो दूसरा कनाडा से आया है। कनाडा से आए कॉल में उन्हें धमकी दी गई है। इसको लेकर विष्णु गुप्ता ने दिल्ली में शिकायत की है। तो वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का कहना है कि सच है कि 1000 साल पहले कई श्रद्धा के केंद्र इधर से उधर हुए। मामला कोर्ट में है और कोर्ट को इसका फैसला करना है। सभी को उसकी पालना करें, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दौसा में भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा जब जन सुनवाई करने पहुंचे तो यहां पर एक अजीबोगरीब वाक्य सामने आया, जिसमें भाजपा विधायक द्वारा पटवारी के सामने शर्त रखने पर पटवारी चौंक गए। गौरतलब है कि जन सुनवाई के दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने रेस्ट हाउस के लिए चंदा मांगा तो विधायक द्वारा अठन्नी भी नहीं लेने की शर्त पर 50 लाख रुपए स्वीकृति देने की बात कही गई, जिसके बाद वहां मौजूद पटवारी सन्न रह गए। इस समय ये वीडियो राजस्थान में जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं विपक्ष के निशाने पर भाजपा के विधायक राजेंद्र मीणा नजर आ रहे हैं। प्रदेश में जहां 48 घंटे पहले सर्दी लोगों को जमकर सता रही थी, तो वहीं अचानक सर्दी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में अचानक तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अब दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट होने के साथ ही दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की दस्तक की भी संभावना है। राजस्थान में मंडियों की हड़ताल वापस ले ली गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया है कि हमारी सरकार से वार्ता हो गई है। इसे देखते हुए आगामी मीटिंग तक हड़ताल को वापस ले लिया गया है। सरकार की ओर से मंडी डायरेक्टर ने मंडी पर लगने वाले किसान कल्याण शुल्क को कम करने के लिए कहा गया। इससे पहले छूट न देने के विरोध में 1 से 4 दिसंबर तक राज्य की 247 मंडियों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। इस बंद के दौरान दाल मिल, आटा मिल, तेल मिल, मसाला उद्योग और चावल मिल शामिल होने वाले थे। हनुमानगढ़ जिले के किशनपुरा दिखनादा गांव के सरपंच पर खेजड़ी का पेड़ काटने का आरोप लगा है। इस संबंध में विश्नोई समाज के अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान विश्नोई समाज के अधिवक्ताओं ने कहा है कि भादरा में हिरणों के शिकार के मामले में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब किशनपुरा में सरपंच में खेजड़ी के पेड़ काट दिए, जिससे विश्नोई समाज में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि अगर इन मामलों पर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्नोई समाज आंदोलन करेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के माही गर्ल्स हॉस्टल एवं वार्डन की नियुक्ति को लेकर बवाल जारी है। माही हॉस्टल की छात्राएं पिछले 4 दिनों से कुलपति सचिवालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। तो वहीं अपनी मांग को लेकर छात्राओं ने अनशन भी शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठी एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद आज छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन को नियमों का उल्लंघन करते हुए नियुक्ति की गई है, जबकि पहले शिकायत होने पर वार्डन को हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कुलपति अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और छात्राओं से वार्ता नहीं कर रही है। लेकिन साथ ही छात्राओं ने चेतावनी दी है कि जब तक वार्डन को हटाया नहीं जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा पशु परिचर भर्ती का आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में होने जा रहा है। 5,934 पदों पर आयोजित होने जा रही इस भर्ती में करीब 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो वहीं बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती के लिए सभी 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक दिन करीब 6 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों में आवागमन करेंगे। ऐसे में रेलवे के साथ ही बसों की यातायात व्यवस्था को लेकर माकूल व्यवस्थाएं की गई है। इसको लेकर भी बोर्ड की ओर से पहले ही मीटिंग कर ली गई थी। साथ ही परीक्षा पारदर्शी हो इसको लेकर भी बोर्ड ने कड़े कदम उठाए हैं। सिंचाई विभाग के रिटायर बेलदार जग्गूराम के 50 लाख रुपए का भुगतान न करने पर कोर्ट के आदेश पर हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का कार्यालय सीज कर दिया गया है। श्री गंगानगर के औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय के आदेश पर कोर्ट ने नजीर ने कार्यालय को सीज कर दिया, जिससे कई जिलों के किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा, गंग नहर, सिद्धमुख आदि नहरों का रेगुलेशन इसी कार्यालय से तय होता है। ऐसे में मुख्य अभियंता असीम मार्कंडे के रिटायरमेंट के दिन ही कोर्ट ने कार्यालय को सीज कर दिया। किसानों का कहना है कि अब मुख्य अभियंता रिटायर्ड हो चुके हैं और पता नहीं विभाग कब रिटायर्ड बेलदार को भुगतान करेगा। इसके बाद ही कार्यालय का ताला खुलेगा।
बंगाल की खाड़ी से उठा बंगाल तूफान पांडिचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बीच समुद्र तट से टकराएगा। इसका असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है। तमिलनाडु के लैंडफॉल के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु और पांडिचेरी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। इसके साथ ही शहर के कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। तो वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमिलनाडु में NDRF की 60 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आए करीब एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा, शिवसेना, शिंदे और NCP अजीत पवार गुट ने 288 में से 230 सीटें जीती है, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। वहीं सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे डिप्टी CM पद के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन साथ ही शिंदे गृह मंत्रालय पर भी अड़े हुए हैं। 29 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात कर मुंबई लौट आए और उसके तुरंत बाद सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए अपने गांव चले गए। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक 3 दिसंबर को होगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।